पानीपत में 20 लाख के सरकारी राशन का गबन किया गया। 3 डिपो होल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। फूड एंड सप्लाई विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। गबन में विभाग के 2 अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। स्पेशल टीम की जांच के बाद एक्शन लिया गया तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीएफएससी की तरफ से ये बात सामने आई है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 20 लाख के सरकारी राशन का ये गबन का मामला सामने आया है। पानीपत से ये बड़ी खबर। 3 डिपो होल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। फूड एंड सप्लाई विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई तो गबन में विभाग के 2 अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। हेडक्वार्टर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि 3 डिपो धारक विभाग के कुछ कर्मचारियों से मिलकर राशन का गबन कर रहे हैं। तो जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो एक डिपो धारक पे 4 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई थी और हेडक्वार्टर से भी एक टीम गठित हुई जो कि कल सुबह आई थी और ये इंक्वायरी आज देर रात तक चली थी। इसमें इंस्पेक्टर हमारे फूड एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सैनी, प्रोग्रामर सृजन भारती और जो बाकी 2 बचे डिपो धारक अनिल और ममता, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। जो दफ्तर के कर्मचारी, एक इंस्पेक्टर एक प्रोग्रामर ने पानीपत के डिपो धारकों से मिलकर लगभग 20 लाख रुपए के राशन का गबन किया है, ये अपने लिखित शिकायत दी है। तो इस पर जांच पड़ताल करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी।